आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट में हूँ कृष्णा उपाध्याय। आपको बता दें कि आज रांची में पप्पू यादव राजभवन के पास एनआरसी और सीएए के खिलाफ में विरोध धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आइए हम सुनवाते हैं मीडिया से उन्होंने क्या कहा। के मंदिर जामिया पर, जेएनयू पर, एएमयू पर, आंध्रा तमिलनाडु में आंध्रा की यूनिवर्सिटी पर, यादव यूनिवर्सिटी कलकत्ता पर हमला करोगे तब तब ऐसे जल्लाद, ऐसे जालिम जो मुल्क को बंदूक, राइफल, तोप और बारूद के बदौलत जिंदा रखना चाहते हो, कश्मीर को इंडिया तो नहीं बना सके, इंडिया को कश्मीर बना दी। क्या है जेएनयू में सड़क छाप गुंडों की तरह आप पूरी संस्था है। पहले आपने पुलिस से पिटवाया, पहले आपने पुलिस से धरंदगी की जाती और उसके बाद गुंडों के बदौलत और पुलिस के पूरी साजिश के तहत जो है जेएनयू पूरा अमेरिका ईरान के खिलाफ बात कर रहा है कि ईरान पर हमला मत करो। ईरान मेरे भाई है, इस मुल्क का भाई है भैया मेरे भाई। तो ये तो आज से हमला है क्या? जेएनयू पर कब से हमला है? जामिया पर हमला, एएमयू पर हमला, उत्तर प्रदेश की पूरी डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। ये जल्लाद ये संविधान के शपथ लेके बोलेंगे मैं बदला लूंगा, ये जल्लाद लोग क्या बोलेंगे ये कि मैं खून का आंसू बहाऊंगा? क्या हुआ? एक बच्ची के साथ बलात्कार किया सिपाहियों ने, कार्रवाई हुई? मदरसे में ढुक करके बच्चों के साथ बलात्कार किया, कार्रवाई हुई? क्या चाहते हो आप? इतिहास पर चोट है ये 73% लोगों की आजादी पर चोट है। सर, लेकिन अगर वो लोग जिसके पास कागज नहीं है 73% उसको कह रहे हो आप रहोगे? गैर मुस्लिम यहाँ रहेंगे, सेकुलर के आइडियोलॉजी से रहेंगे, लेकिन उन्हें उनकी जमीन अदानी की हो जाएगी, उनके राइट्स नहीं होंगे। ये क्या है? इतिहास आदिवासी का, इतिहास दलितों का, इतिहास वाल्मीकि का, इतिहास महाभारत का, इतिहास शिव का, इतिहास नानक का, इतिहास बुद्ध का, इतिहास मोहम्मद का, और तुम बात करोगे हमसे? क्या ये मुल्क क्या चाहता है? रोजगार आप लाइन में खड़ा करते जा रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी 15 लाख, क्या है ये? इसलिए ये नहीं चलेगा, ये दुनिया इसका विरोध कर रही है। आज अमेरिका विरोध कर रहा है ईरान पर हमले का, तो वो ठीक है, हम यदि जेएनयू आइडल उठाएंगे तो हम राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। ये राष्ट्र के दुश्मन, ये मानवता के दुश्मन। तो कहीं ना कहीं एनआरसी को लेकर ही जो विवाद उठ रहा है, उसे किस तरीके से देख रहा है? यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो भी इसी मुद्दे को लेकर हो रहा है भैया। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, सीधा है यार, एकदम सीधा ही मैं बोलता हूँ। ये कौन, ये चोर दरवाजे से आना चाहता है? सीए में तुमने संविधान के आर्टिकल 41-40, आप क्या किसी धर्म और जाति, कल ये आवाज उठ जाए जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, तब तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री 1.3% जो ब्राह्मण है वो कभी नहीं बनेंगे, तब तो कास्ट वार हो जाएगा। हमारे मुल्क में संविधान इसकी इजाजत देता है? आप या तो सभी धर्म को लाओ, या तो आप धर्म के आधार पर सीए मत करो। आप अफगानिस्तान को क्यों लाए? और अफगानिस्तान को लाना चाहते हो तो आप श्रीलंका को क्यों नहीं, नेपाल को क्यों नहीं, बर्मा को क्यों नहीं, भूटान को क्यों नहीं, आप म्यांमार को क्यों नहीं? आप चाहते क्या हो? सिर्फ हिंदू मुसलमान करना? आपका एजेंडा हिंदू मुसलमान? तलाक नहीं हुआ, जब शरीयत पर आपने चोट की तब मुसलमानों ने कहा मेरा मुल्क सबसे बड़ा। जब आप मंदिर मस्जिद के सवाल पर, आस्था पर चोट किया, मुसलमानों ने कहा न्याय का फैसला और संविधान मेरा। जब 370 पर आप कश्मीर को इंडिया तो नहीं बना सके, इंडिया को कश्मीर बनाने चल दिए। ये डेमोक्रेसी हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खबर। जोगी गलतफहमी, आदमखोर के तरह जो ये काम कर रहे हैं उससे बुरा हाल होगा जनाब। आप गलतफहमी में मत रहिए, लोकतंत्र और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। शिव, कृष्ण, राम, मोहम्मद, नानक से, हजरत हुसैन से बड़ा आइडियोलॉजी कोई नहीं है। आप नई आइडियोलॉजी नहीं थोप सकते इस देश पर। हम एक परिवार हैं, इतना बड़ा नफरत इस मुल्क को, पहले एक जिन्ना थे अब दो जिन्ना हो गए, फिर से बांटना चाहता है। पहले एक स्टालिन हिटलर था, अब कई स्टालिन हिटलर हो गया, जो इस देश को गुलाम बनाना चाहता है नई तरीके से। अंग्रेजों से बदतर स्थिति हो गई,
जालियांवाला बाग में तो हमें भागने की इजाजत दी। अभी आरोप लगाती है जो लोग इसके खिलाफ है वो देशद्रोही। भैया वही बात तो मैंने कहा, ये इससे बड़ा ये जो लोग हैं ना, भारत मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन, सबसे बड़ा संविधान का दुश्मन, सबसे बड़ा गांधी अंबेडकर अस्फाकुल्ला अब्दुल हमीद भगत सिंह की आइडियोलॉजी का दुश्मन, सबसे बड़ा मानवतावादी और मेरी वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म संभव की आइडियोलॉजी का दुश्मन ये लोग हैं, जिसे संस्कृति का इतिहास का पता नहीं, जिसे मानवतावाद मानवतावादियों का पता नहीं, वो बात करेगा। थैंक यू। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये जातिवाद को लेकर के जो बंटवारा हो रहा है, तो तमाम मुद्दे पर इन्होंने बात की मीडिया से कहा, और ये बोले कि जब तक देश जलता रहेगा हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।